आपको रिस्पेक्ट करता है, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को, अपने और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीचों से गुजरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त मैं सिलवासा के केंद्रीय विद्यालय में हूं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह से यहां पर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि किस तरह से आज जो देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है वो परीक्षा पर चर्चा जो कर रहे हैं उसमें इन बच्चों को कैसा लगा और किस तरह से आज उन्होंने उस लाइव वीडियोज के जरिए क्या खास सीखा है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, क्या कहना चाहेंगे आप कि आज जो आप मोदी जी को आपने देखा वहाँ पर, मोदी जी समझा रहे, क्या क्या खास लगा आपको? सर, मुझको पहले तो ये खास लगा कि उनसे स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे और वे जवाब दे रहे हैं उनका, और उनसे सब स्टूडेंट्स सवाल पूछ रहे, और सबसे खास वो सवाल था कि एग्जामिनेशन के टाइम हम लोग जब घबरा जाते हैं या हम लोग दूसरी टॉपिक पढ़ लेते गलती से, तो तब क्या होता है। कुल मिला के मजा आ रहा था। हाँ। हर चीज सीखने को मिल रही थी। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है वो कितनी बारीकी से इन चीज़ों को देख रहा होगा। अगर देश का प्रधानमंत्री हमसे जब डायरेक्ट लाइव संबोधन कर रहे होते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस सरकार गौरपूर्वक उस वीडियोस को देख रहे होते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं आदित्य ने किस तरह से एक छोटी सी जरिए से जिस तरह से हमसे बताया कि किस तरह से उन्हें क्या चीज़ क्या खास चीज़ें समझने में आया। ऐसे में और भी तमाम बच्चे हम छोटे छोटे चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज उन्हें किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली है। क्या खास देखा आपने और क्या खास सुनने को मिला? इसमें जो सबसे अच्छी चीज रहती है वो ये रहती है कि प्रधानमंत्री जी हमें प्रोत्साहित करते हैं, और जैसा कि वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे अपनी उलझनों से आगे बढ़ना है और कैसे परीक्षाओं को एक फेस्टिवल के रूप में मनाना है, उनका टेंशन नहीं लेना है और उन्हें काफी अच्छे से एंजॉय करके सेलिब्रेट करके करना है। जी, खास तौर पर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर जिस तरह से ध्यान दिए हुए हैं, खास तौर पर आप लोग जब आज इस वक्त किस क्लास में हैं आप? हम 10th क्लास में, 10वीं में, यानी 10वीं कक्षा में आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, और केवी में पढ़ाई जो है, ऐसे तो देश के हर अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह की लेवल में पढ़ाई होती है, पर आज जिस तरह से आपने इस देखा, काफ़ी देर से लाइव परफॉर्मेंस चल रहे थे, गर्मियाँ लग रही थी लेकिन लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और लोगों का भी जो एम था उनको कि नरेंद्र मोदी जी की सब बातें अच्छे से सुनी और उनसे हमें सीख बहुत सारी मिली, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ यह कही कि इन 2 साल में हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने पढ़ा, लेकिन यही टेक्नोलॉजी के कई सारे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हमें ये बताने के लिए कि किस तरीके से बच्चों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए नए ऐप बनाए और उससे बच्चों को प्रेरित किया पढ़ाई के लिए और टेक्नोलॉजी का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाया। मतलब देश अगर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भी बच्चों का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं उन चीजों में ढूंढने की कोशिश जो कर रही है। इस वक्त तमाम जो लड़कियां थी और सभी लोग जो थे वहां पे बैठकर इन चीजों को बहुत ही बारीक, इतने बड़े राष्ट्र का अगर कोई चला रहा है तो उनके पास समय नहीं होता, लेकिन इस तरह से जब वो सामने आते हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख रहे हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य जो है वो स्कूल से बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक छाप लेकर निकलते हैं जिससे देश भी कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ बढ़ता है। खास बात इन पूरे दौरान में आपको क्या खास लगा और क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर इतने बिजी होने के बाद भी, वो पूरे कितने बड़े देश के प्रधानमंत्री है, उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और सारे बच्चों का उन्होंने हमें अपना बच्चा माना, वो प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं बल्कि आज एक दोस्त के हिसाब से हमें समझा रहे थे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे रहे थे, और मैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर्स का भी थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि ये स्कूल टाइमिंग पे ये प्रोग्राम था और उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और स्कूल में ये प्रोग्राम आयोजित करवाया। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खास तौर पर किस तरह की चीज़ों को लेकर यहाँ पर, जो खास तौर पर काफ़ी देर से ये चीज़ें यहाँ पर चल रही थी लाइव परफॉर्मेंस, पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्कूलों में जो है वो इस चीज़ों को समझाया जा रहा है। खासतौर पर चलिए अब यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से यहाँ के तमाम लोगों को, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से उन्होंने समझाया और खास इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने क्या खास चीज़ें देखी है।
किस तरह से मिश्रा जी का कि खास तौर पर जो देखा जा रहा है काफी मात्रा में यहाँ पर लोग बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने काफी गहनतापूर्वक इन चीजों को देखा समझा कि प्रधानमंत्री किस तरह से एक दोस्त की तरह उनसे बात कर रहे हैं, उनसे ट्रीट कर रहे हैं, लाइव छोटे छोटे बच्चों से जिस तरह से कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार, ये हम हर साल का हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगभग प्रत्येक साल बच्चों से इस वक्त परीक्षा से पहले चर्चा करते हैं। ये उनका जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो बच्चों से बड़े उनका जो टू वे ट्रैफिक वो एक तरफा बात नहीं करते, बच्चों के साथ जैसे आजकल मोटिवेशन के लिए और डिप्रेशन से बच्चों के सब बातों बहुत असर पड़ता है, बच्चे कम से कम इन बच्चों के लिए ये पूरे जीवन तक का उनका ये अनुभव होता है और ऐसे अनुभव से बच्चे सीखते हैं, बच्चे आगे चल के वो लीडर बनेंगे, देश के नेता बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, फिर उनके जीवन में काम आएगा आने वाली पीढ़ी को। इस तरह से एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए, एग्जाम एक उत्सव की तरह मनाए और ये आम जनता को बताने में माननीय प्रधानमंत्री का ये काम बड़ा ही सराहनीय है। यानी कुल मिलाकर ये चीज़ें जो देखी गई वो खास तौर पर ये थी कि हर तरह की चीज़ों के बारे में जो जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री डायरेक्ट बच्चों से मिलकर दे रहे थे वो काबिले तारीफ था। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जब आपसे इन तरह की बातें करते हैं तो लोगों में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का जो है वो संचार होता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सिलवासा।